नैवेद्यम भी दिया, मैं भगवान के समक्ष नैवेद्य रखा हुआ है, आप प्रार्थना कीजिए, हाथ जोड़िएगा और चार बार जल छोड़िए पात्र में। अब सभी हमारे साथ में बोलेंगे ओम प्राणाय स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, नैवेद्यं निवेदयामि नैवेद्यान्तेन। पांच बार जल छोड़िए अपने पात्र में, पांच बार जल छोड़िए। ओम पूर्वापोष्णम मध्ये पानीम रुद्रावोष्णम हस्तमुख प्रक्षालनम समर्पयामि करोत वर्तनार्थेन दिव्य चंदनम चर्चयामि। दोनों उंगलियों में चीटी छोटी उंगली के पास वाली में है ना, दोनों उंगलियों में वो ले लीजिए अष्टगंध चंदन। ये प्रक्रिया आपको नित्य की याद रखना है ना, और वास्तु देवता का ध्यान करते हुए अपने पात्र में ही आप दोनों उंगलियों से उसको चढ़ाइए, छिड़किए ऐसे। दक्षिणा चढ़ाइएगा, समर्पयामि अत विदत्त जल नीराजनम। जल का पात्र उठाइए, विदत्त आपके भगवान वास्तु पुरुष की करेंगे। समर्पयामि, एक बार जल छोड़ दीजिए पात्र में। अत मंत्र पुष्पांजलि, हाथ में पुष्प रखिएगा। हाँ, ओम वास्तुस्पते प्रतियानि अस्मान् स्वावेशो अनमिवो भवानः यद्वयमहे प्रतिदन्नो जुगसुजन्नो भवदुपदे सज्जद्गुणे वास्तुस्पते नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्प चढ़ा दीजिएगा, अब हाथ जोड़िए। हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है कि हे वास्तु पुरुष देवता, हमारे घर में किसी प्रकार का, हमारे भवन में किसी प्रकार का दोष बना है तो उसका निवारण कीजिएगा। वास्तु देव नमस्तेस्तु रोषय्या भृत प्रभ मद गृहे धन धान्यादि समृद्धिं कुरु सर्वदा। हस्ते जलमादाय सीधे हाथ में जल रख लीजिएगा। अनेन कृतेन पूजनेन श्री सिख्याति वास्तु मंडल देवता पूजन अर्पण वस्तु। जल छोड़ दीजिए, बोलिए वास्तु पुरुष भगवान की जय। चलिए अब जो है, अब हम पूजन करेंगे क्षेत्रपाल भगवान का, जो भैरव स्वरूप है, जो हमारे क्षेत्र की रक्षा करते हैं, घर के क्षेत्र की रक्षा करते हैं, हमारे खेत की रक्षा करते हैं, है ना, जो क्षेत्र के देवता कहलाते हैं, वो हमारे क्षेत्रपाल भगवान जो भैरव स्वरूप है, उनका स्थान यहाँ